स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नदी क्षेत्र से अवैध कब्जे हटवाने बारे प्रशासन द्वारा कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। मुनादी द्वारा भी अवैध कब्जेधारियों को चेताया भी गया है, मगर इसके बावजूद भी नदी क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जे की जगह पर निर्माण कार्य लगातार जारी रखा हुआ है। रात्रि में भी अवैध निर्माण कार्य जारी है। अवैध निर्माण कार्यों से खफा कस्बे की विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने आज फिर से नवा प्रशासन एवं खंड विकास पंचायत कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात करके अपना रोष व्यक्त किया। शहर के बंदों से भी मेरे को यार टैक्स ना लेने देखो आप साफ तो मेरे को ये मैंने कहा है इस बात पे मैंने कहा सबसे मैं ये नहीं हमारी आप की तरफ से बंद कर दिया हमारी देखो हमारे पास बिल्डिंग पार्ट टाइम है ये हमारे पास अब जी भी हमारे आउटसोर्सिंग है जो कार्रवाई बन रही है वो रेगुलर कर रहे हैं आपको रिजल्ट सामने आएगा लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद आएगा। आप लोग ये सोच रहे कि जैसे हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं मैं जाके एकदम से हम घेर दें सिस्टम होता है ना ये आपने कार्य जब आप सीट पे बैठे थे आप अकेले हैं नहीं थे यहाँ सीट पे काम करने वाले तो आपने काम किया अपने आप नहीं है ना जब23 को कुछ नहीं करा 23 की रात को पुलिस वालों ने रखवाया काम 1:07 में वो हमारी नॉलेज में नहीं है वो सकता है सारा चौक रूम में है हो सकता है वो चक्की के पास नॉलेज उनके पास फोन गया उन्होंने नहीं करा जी फोन चक्के सामने फिर भी फोन नहीं करा ये तो हर्ष फोटोग्राफर है बेचारा जो पत्रकार है महाराज आगे वहाँ पे फोटो खींच के आया 1:07 मैं तो कह रहा हूँ हमारी नॉलेज में जो गुस्सा शहर की जो मेन डिमांड है जो नदी का अवैध कब्जा और जो लोगों का पानी का नुकसान चोरिया ये मेन चीज लोगों का वो मकसद है और ऐसा लोग जी दूसरे क्षेत्र में बढ़ते हैं जी उनमें उसमें की पंचायत में जी उसे ढोर माल कार वही नंबर नपा प्रशासन एवं पटवारी आदि से मिलने के बाद कस्बे के लोगों द्वारा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जाकर पंचायत अधिकारी से मुलाकात की गई। और उसके बाद उन्होंने 28 तारीख अच्छा नहीं उससे पहले सर वो हाँ जो मतलब लेंटर डल गए वो 2-3 आप बात सुनो ना आपने 7 दिन का टाइम दिया था ना 17 को मुनियादी हाँ। करवाई थी 7 दिन का टाइम दिया था ये 7 दिन कब खत्म हुए हैं पहले तो ये नोट करो तो इसको खत्म हो गए ना और आज 25 है 25 को लेंटर पड़ गया 24 को 7 को सरिया बंद गया वो पुलिस वाले वहाँ पे ना जाते तो ये ना जाने का भी क्या चलो पुलिस वालों ने अपना काम निभाया जी और ना किसी शास्त्रीय कहने पे ना किसी वीडियो पे कहने पे अपने आप में बेचारे और हमारे पत्रकार जो थे बेचारे उठ के गए रात को वहाँ पे डला है आपकी नॉलेज में है वो है?
ये लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, पर लास्ट टाइम एसडीएम साहब जब वहाँ ऑफिस में आए थे, रेस्ट हाउस में आए थे, तब भी आपने ये बात कही थी भी मैं नहीं, मेरी नई ज्वाइनिंग है। सुनो आप उस टाइम बात छोड़ दो, मेरी नई ज्वाइनिंग है भी, मेरे को यहाँ का कुछ अभी पता नहीं। आपने तब से लेके आप क्या स्टडी करा, जबकि एसडीएम साहब ने आपको आदेश दिए थे कि स्टडी करके मेरे को रिपोर्ट नहीं पड़ेगा, फिर आपको जबकि वो आपके आप सारी तरीके से बात है लगती है उस पर, फिर तो कोई कार्रवाई नहीं होनी। आप ये लिख के तो दे सकते हैं, जैसे हमें बोल रहे हैं हमारे संघ लगने के बाद, ये लिख के तो दे सकते हैं, वो तो हम लिख देंगे, हम लिख देंगे, वो तो आपके भाव कर भाई, नहीं ये लिख के दे दें हम डी साहब रख देंगे, ये लिख रहे हैं वो तो पेपर में आ जाएगा, पता लग जाएगा, हमारे संज्ञान में नहीं है सर। देखो अगर आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है, ठीक है ना, वो बताओ हमें। पंचायत अधिकारी व सचिव खंड विकास कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर अवैध निर्माण कार्य होने की जांच की गई। अवैध रूप से कब्जा की गई जगह पर जब अवैध निर्माण कार्य करने वालों से पंचायत अधिकारी व सचिव ने बातचीत की, तो उनके द्वारा अवैध निर्माण कार्य की जगह का जमा करवाया हुआ प्रॉपर्टी टैक्स दिखाया गया, जिसे देखकर आम लोग बड़े हैरान थे कि किस प्रकार से इस अवैध जगह का नगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लिया गया है। तुम नहीं कहते दोबारा इसके बनाओ जी, ये कैसे कट गई रसीदें इनकी, ये क्या है प्रधान जी, क्या दिखा रहे हैं आप, ये म्यूनिसिपल कमेटी ने इनकी रसीदें काटी हैं, कैसे काट दी हैं ये रसीदें काटी, और प्रॉपर्टी ने रसीद तो उसकी कटते हैं जिसकी प्रॉपर्टी होती है, इनके बिजली कनेक्शन हो गया अवैध स्थान पे, अच्छा कैसे हो गए, और ये बिना नक्शे के कैसे बन रहे हैं, बिना नक्शे कैसे बन रहे हैं, नक्शे पास 900 रुपए ले रखे हैं जो प्रॉपर्टी देख, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, मिली भगत सारी मिली भगत है जी, कैसे हो रहा है ये, ठीक है जी। एक बार जानना चाहेंगे भी क्या विषय लेकर आज यहाँ पर आप लोग मिले हैं अधिकार अपने प्रशासन अधिकारियों से। मैं तो ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे ये नदी क्षेत्र यहाँ पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो चुका है, और इससे जो ये नदी का जो स्थान है इस टाइम इतना दिक्कत में आने वाली जो बरसात है, इसमें ऐसा कोई अपना घर सेफ नहीं रहेगा, जब लोगों के घरों में पानी घुसता है पता उनको होता है, पिछले साल भी इतना इसका भारी नुकसान हुआ, ऐसा ना हो कि ये स्थिति बन जाए दोबारा और लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़े। हम तो प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं इसके ऊपर दोबारा इसको पूरा सर्वे करके प्रशासन को इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो अवैध कब्जे हैं इसको हटवाना चाहिए, और मेरी यही प्रशासन से बार बार प्रशासन से प्रार्थना, धन्यवाद।